हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेक्टर वेक्टर कैलकुलस में। तो वेक्टर कैलकुलस का एक वीडियो हम पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो ये सेकंड वीडियो है वेक्टर कैलकुलस के लिए। तो जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसके बाद आज का ये वीडियो जो है वो आपको समझ में आएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्केलर और वेक्टर पॉइंट फंक्शंस के बारे में बात की थी कि स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन पर हम कैसे डेल, कर्ल और डाइवर्जेंस यूज़ करते हैं। तो उसी सीरीज को हम आगे लेके चलते हैं आज, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेक्टर के लिए। क्वेश्चन है, इफ v1 एंड v2 वेक्टर आर वेक्टर जॉइनिंग द फिक्स पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 रिस्पेक्टिवली अ वेरिएबल पॉइंट xyz, देन प्रूव दैट। तीन वैल्यूज हमें प्रूव करनी है। डाइवर्जेंस v1 क्रॉस v2 इक्वल टू 0, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, ग्रेडियंट v1 डॉट v2 इक्वल टू v1 प्लस v2। एंड थर्ड वन इज कर्ल v1 क्रॉस v2 इक्वल टू 2v1 माइनस v2 वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस में जो भी हमें थ्री पार्ट्स प्रूव करने हैं, इन सभी में एक चीज कॉमन है, क्या? v1 और v2, जो तीनों केसेस हमारे अप्लाई हो रहे हैं v1 और v2 पर। अब v1 और v2 जब इस पर हमारी वैल्यूज अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें v1 और v2 की वैल्यूज को फाइंड भी करना होगा। हमें v1 और v2 की वैल्यूज भी चाहिए, तभी तुम्हारा क्वेश्चन हो पाएगा। तो यहाँ v1 और v2 की वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगी? क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन है, v1 एंड v2 वेक्टर जो है वो वेक्टर ज्वाइनिंग है एक फिक्स पॉइंट के थ्रू। मान लेते हैं कि एक फिक्स पॉइंट ये है, v1 एंड v2 आर वेक्टर्स ज्वाइनिंग द फिक्स पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो x1 y1 z1 और इस फिक्स पॉइंट से ये फिक्स पॉइंट है सेकंड x2 y2 z2। इसको हम ले लेते हैं v1 वेक्टर, इस कंप्लीट को ले लेते हैं v1 वेक्टर, और इसे ले लेते हैं v2 वेक्टर। v1 एंड v2 वेक्टर आर वेक्टर ज्वाइनिंग द फिक्स पॉइंट, वेक्टर ज्वाइनिंग द फिक्स पॉइंट। ये दो फिक्स पॉइंट ले लिए हमने, a एंड b, ये वेक्टर ज्वाइनिंग हो रही है, वेक्टर ज्वाइन हो रहे हैं दो फिक्स पॉइंट से x1 y1 z1 x2 y2 z2 किसके साथ? विद रिस्पेक्टिवली टू ए वेरिएबल पॉइंट xyz। एक वेरिएबल पॉइंट जिसको मैं सी मान लेता हूं xyz के साथ। तो ये v1 और ये v2 दो फिक्स पॉइंट वेक्टर ज्वाइनिंग है एक वेरिएबल पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो v1 और v2 की वैल्यू हम यहां कैसे फाइंड करेंगे? क्या v1 और v2 की वैल्यूज हो सकती हैं? क्या आप में इसको बता सकते हैं v1 एंड v2 की वैल्यू? जरा सोचिए, कुछ स्टूडेंट्स यहां पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं है। देखिए v1 की वैल्यू क्या आएगी, मैं बताता हूं कैसे आई। पहले लिख लेते हैं हम, हेयर v1 वेक्टर इज इक्वल टू x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, एंड z माइनस z1 के कैप। एंड v2 वेक्टर इज इक्वल टू x माइनस x2 आई कैप, y माइनस y2 जे कैप, एंड z माइनस z2 के कैप। यहां ये वैल्यूज होंगी v1 वेक्टर और v2 वेक्टर की। अब क्वेश्चन ये कि ये वैल्यूज कैसे आई? x माइनस x1 ही क्यों हुआ v1 के लिए? x माइनस x1 ही क्यों हुआ? x1 माइनस x क्यों नहीं? क्या रीजन है? देखिए सिंपल सा रीजन है, हमें ये मालूम है कि वेरिएबल पॉइंट से फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। हमें देखो r वेक्टर हम क्या लेते हैं, आपको पता ही होगा r वेक्टर की वैल्यू क्या होती है। वी नो दैट r वेक्टर इक्वल्स टू xi yj zk, ये r वेक्टर होता है। अब ये r वेक्टर की वैल्यू डिसाइड कैसे हुई? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, जब 3D में कोई भी पॉइंट मूव कर रहा है xyz एक्सिस पर, तो उसकी हम पोजिशन चेक करते हैं कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन एक फिक्स पॉइंट होता है, और ये पॉइंट जो मूव कर रहा है ये कौन सा पॉइंट है? वेरिएबल पॉइंट है। तो r वेक्टर की वैल्यू कैसे आई? वेरिएबल पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट आई कैप, वेरिएबल पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट जे कैप, वेरिएबल पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट के कैप। तो xi yj zk ये वैल्यूज आई। तो वैसे ही हमें क्या करना होता है, कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वेरिएबल पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट करते हैं, और यहाँ क्लियरली हमें गिवन है एक्स वाई जेड वेरिएबल पॉइंट है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 क्या है? एक फिक्स पॉइंट है। तो वैल्यूज क्या हो जाएगी? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z2 वेरिएबल पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट। तो ये तो आ गए हमारे पास वैल्यूज किसकी?
वी वन एंड वी टू की। अब हम फर्दर चाहिए क्या, देखिए हम क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो हमें फर्स्ट चाहिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए वी वन कर्ल वी टू। तो वी वन कर्ल वी टू क्या होगा, देखते हैं हम वी वन कर्ल वी टू की वैल्यू क्या होगी। तो वी वन कर्ल वी टू, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वी वन कर्ल वी टू की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो v1 वन कर वी टू यानी वी वन क्रॉस वी टू हम कैसे सोल्व करेंगे, बाय डिटर्मिनेंट हमें मालूम है आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप के साथ v1 कितना है x माइनस एक्स वन, जे के लिए y माइनस वाई वन और k के लिए z माइनस जेड वन। सिमिलरली v2 में x माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई टू एंड z माइनस जेड टू, ये वैल्यूज हैं। अब हमें इसको सोल्व करना है, इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, आप सभी फाइंड कर सकते हो। तो v1 वन क्रॉस वी टू हमारे पास आ जाएगा v1 वन क्रॉस वी टू इज इक्वल्स टू आई कैप के साथ दिस वन टू दिस मल्टीप्लाई दिस इन टू दिस माइनस में, तो ये आएगा y माइनस वाई वन जेड माइनस जेड टू माइनस जेड माइनस जेड वन वाई माइनस वाई टू आई कैप फिर प्लस जे कैप। यानी जे कैप के साथ क्या टर्म्स आएंगे, देखो जे कैप को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर माइनस इसका इसके साथ। अगर नेगेटिव आप लेते हो तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पॉजिटिव अगर मैं रख रहा हूँ तो जेड माइनस जेड वन का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ, एक्स माइनस एक्स टू के साथ एंड माइनस में एक्स माइनस एक्स वन का जेड माइनस जेड टू के साथ और साथ में जे कैप। सिमिलरली के कैप के साथ एक्स माइनस एक्स वन जेड माइनस जेड टू सॉरी वाई माइनस वाई टू फिर माइनस वाई माइनस वाई वन इंटू में एक्स माइनस एक्स टू के कैप। ये तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली किसके लिए, वी वन क्रॉस v2 के लिए। अब हम देखो एक वैल्यू और इसमें चाहिए, v1 वन क्रॉस वी टू यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है यहाँ भी यूज़ हो रहा है, तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली v1 वन क्रॉस वी टू की। एक वैल्यू हमें चाहिए v1 वन डॉट वी टू के लिए, तो वो भी हम पहले से फाइंड कर लेते हैं ताकि इशू नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो हमारे पास। तो v1 वन डॉट वी टू, तो v1 वन डॉट वी टू आप सबको मालूम है सिंपल दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, और जब दो वैल्यूज़ का दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो i डॉट i1 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जे डॉट जे वन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, के डॉट के वन इन दोनों का। तो वी वन डॉट वी टू आ गया हमारे पास एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू एंड प्लस जेड माइनस जेड वन एंड जेड माइनस जेड टू, ये हमारे पास आ गया वी वन डॉट वी टू। तो इन दोनों को हम इक्वेशंस के थ्रू वैल्यूज दे देते हैं, डिनोट कर देते हैं, हम इसको लिख देते हैं कंप्लीट को ए और इस रिजल्ट को लिख देते हैं हम बी। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए वन बाय वन हमें पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फाइंड डाइवर्जेंस वी वन क्रॉस वी टू एंड द वैल्यू विल बी शुड बी इक्वल्स टू जीरो। वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो के इक्वल आनी चाहिए। हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें और राइट हैंड साइड को हम प्रूफ कर देते हैं। तो करते हैं हम फर्स्ट पार्ट v1 वन क्रॉस v2 पर डाइवर्जेंस, v1 वन क्रॉस v2 हमारे पास है इक्वेशन नंबर ए पर, इस पर डाइवर्जेंस हम यूज करेंगे। तो करते हैं हम डाइवर्जेंस यूज, तो फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, तो स्टूडेंट्स डाइवर्जेंस ऑफ v1 वन क्रॉस v2, तो देखिए हम क्या करते हैं डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंस का मतलब हुआ डेल डॉट वी वन क्रॉस वी टू, क्या हमें लिख सकते हैं और हमें क्या प्रूफ करना है जीरो के इक्वल। तो हम यहां लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, तो डेल डॉट वी वन क्रॉस वी टू लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं इसको लिख सकता हूं डेल की वैल्यू कितनी होगी, हमें मालूम है सभी को डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है v1 क्रॉस v2 के साथ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए v1 क्रॉस v2 की देखो वैल्यू कितनी लेंदी है, ये सारी वैल्यूज इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में आएगी, या फिर हम एक काम करते हैं हम इतनी लेंदी वैल्यू नहीं लिखते, हम क्या कर लेते हैं
हम इस सिंपल हर एक पोर्शन को एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे? मैं इस सभी को, इस कंप्लीट ब्रैकेट को a1 मान लेता हूं, इस कंप्लीट वैल्यू को a2 मान लेता हूं और इस कंप्लीट ब्रैकेट की वैल्यू को a3 मान लेता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 a2 a3 जब हमने इसको एज्यूम कर लिया तो इसका मतलब v1 क्रॉस v2 की जो वैल्यू होगी मेरे पास वो क्या हो गई, वो इनडायरेक्टली a1 i, a2 j और a3 k कैप हो गई। इसका मतलब यही हुआ, इनडायरेक्टली v1 क्रॉस v2 की वैल्यू a1 i, a2 j, a3 k, क्योंकि i के साथ जो भी था उसको a1 एज्यूम कर लिया, j के साथ जो है उसे a2 और k के साथ जो है वो उसे a3 वो एज्यूम कर लिया मैंने। तो देखिए अब v1 क्रॉस v2 की वैल्यू मैंने इसको एज्यूम कर लिया, डेल के साथ क्या चाहिए हमें, v1 क्रॉस v2 चाहिए, डेल तो आ गया। v1 क्रॉस v2 की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम किया वो मैं यहां लिख देता हूं, a1 i, a2 j, a3 k। ये क्यों किया, ताकि इतना लेंथी स्टेप हमें नहीं करना पड़े, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, बाकी आप चाहो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हमें ये मालूम है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी तो हो गई लेकिन आई डॉट आई वन और दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो डेल अपॉन डेल एक्स के साथ क्या आ जाएगा a1, सिमिलरली डेल अपॉन डेल वाई के साथ आ जाएगा a2 एंड डेल अपॉन डेल जेड के साथ आएगा a3, ये आएगा, क्लियर है। अब देखिए a1 का किसके रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, x के रिस्पेक्ट। अब आ जाइए a1 की वैल्यू पर, ये कंप्लीट a1 की वैल्यू, क्या इस कंप्लीट a1 में आपको x नजर आ रहा है, नहीं, दो ही टर्म्स आ रही हैं y1, z1, इसके अलावा कुछ भी नहीं, x और x1 यहां नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव तो जीरो ही हो गया, तो कुछ भी नहीं है वैल्यू x की, तो वहां पे तो जीरो। a2 का y के रिस्पेक्ट, अगेन चेक, a2 में कोई भी y कंसीडर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो a2 में y नहीं है तो y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। एंड सिमिलरली a3 का z के रिस्पेक्ट, यहां z नहीं है तो जीरो, इक्वल्स टू जीरो, राइट हैंड साइड जीरो ही प्रूफ करना है, जो भी हो गए, क्लियर है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इसका। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट से पहले हम v1 क्रॉस v2 का ही कर लेते हैं, v1 डॉट v2 बाद में करेंगे, तो थर्ड पार्ट हम कर लेते हैं। देखिए v1 क्रॉस v2 पे कर्ल चाहिए, v1 क्रॉस v2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, इस पर हमें कर्ल फाइंड करना है, तो पहले वो कर लेते, थोड़ा सा टफ रहेगा ये, थोड़ा लेंदी रहेगा, तो पहले हम थर्ड पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए देखिएगा, कर्ल ऑफ v1 क्रॉस v2, तो कर्ल ऑफ v1 क्रॉस v2, तो कर्ल का मतलब हम इसको लिख सकते हैं थर्ड पार्ट को, डेल क्रॉस v1 क्रॉस v2 लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पार्ट थर्ड। तो जब इसका थर्ड पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, डेल क्रॉस, क्रॉस का मतलब कर लिए, v1 क्रॉस v2, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, डेल क्रॉस क्या, v1 क्रॉस v2 को मैंने क्या मान लिया, ए वेक्टर मान सकता हूं, क्योंकि ए वेक्टर क्या हो जाएगा, a1 i, a2 j, a3 k, जो कि v1 क्रॉस v2 को हमने एज्यूम किए, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, डेल क्रॉस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर और डेल के बीच में हम क्या कर लेते हैं, कर्ल फाइंड कर लें, जो कैसे आएगा, जो कि एक डिटर्मिनेंट से सोल्व होगा, और डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी डेल की, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और ए वेक्टर क्या है, आई कैप के लिए a1, जे कैप के लिए a2 और के कैप के लिए a3। लिख सकते हैं सिंपल, v1 क्रॉस v2 को हमने ए वेक्टर एज्यूम कर लिया, क्योंकि a1 a2 a3 तो हमने किया ही हुआ है, दैट मीन्स ए वेक्टर। ये इजीली, क्योंकि आराम से हम इसका डिफरेंशिएशन या इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं इजी वे में, अगर हम इतनी लेंदी टर्म्स लेके चलेंगे तो हो तो वो भी जाएगी, लेकिन जितनी लेंदी टर्म्स होगी उतने मिस्टेक के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा इजी रखते हैं, मैथमेटिक्स वैसे टफ है तो थोड़ा सा हम इजी लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको डिटर्मिनेंट को हम सोल्व करते हैं, तो आई कैप के साथ डेल अप डेल, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, डेल a3 अपॉन डेल y माइनस डेल a2 अपॉन डेल z, आई कैप, फिर प्लस j कैप के साथ क्या आएगा, अगर पॉजिटिव j कैप है तो पहले मल्टीप्लीकेशन ये होगा, डेल a1 अपॉन डेल z माइनस डेल a3 अपॉन डेल x,
जे कैप, और सिमिलरली के कैप के लिए डेल ए टू अपॉन डेल एक्स माइनस में डेल ए वन अपॉन डेल वाई के कैप। क्लियर, सिंपल डिटर्मिनेंट जो हम करते आ रहे हैं वो। यहां तक डाउट कोई, प्रॉब्लम कोई अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें। वैसे तो सब एक एक स्टेप में क्लियर कर रहा हूं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, ये चीज क्लियर है, अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। अब देखिए जरा, ये हमारे पास रिजल्ट है जिसको हमें और सिंप्लीफाइज करना है। यहां क्या नजर आ रहा है, ए थ्री का वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, ए थ्री आपके पास ही है ना। मैं फिर से इसको थोड़ा सा शो कर देता हूं। ए थ्री देखो वहां पे क्या है हमारे पास, ए थ्री की जो वैल्यू है यहां पे जो हमने एज्यूम की थी वो है एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई टू, माइनस वाई माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स टू, ये ए थ्री की वैल्यू है। अब ए थ्री का किसके रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, वाई के रिस्पेक्ट। तो जब वाई के रिस्पेक्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए जरा क्या वैल्यूज आएंगी, y का इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो y का y के रिस्पेक्ट 1, तो क्या आ जाएगा x माइनस एक्स वन। वाई टू का इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन होगा, y2 का y के रिस्पेक्ट, तो y के रिस्पेक्ट y2 तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। फिर आते हैं यहां पे नेगेटिव एज इट इज, y का इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन होगा और y का y के रिस्पेक्ट 1, तो ये x माइनस एक्स टू वैसे का वैसा आ जाएगा। फिर y1 का इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन होगा और y1 कांस्टेंट है y के लिए, तो जीरो हो जाएगा। तो ए थ्री का वाई के रिस्पेक्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा वो देखिए ये बनेगा, क्या बना, ये भी एक्स और एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये तो बनेगा डेल ए थ्री का वाई के रिस्पेक्ट, ओनली इसकी बात कर रहा हूं मैं, डेल ए थ्री का वाई के। फिर से चेक कर लीजिए, ए थ्री का वाई के रिस्पेक्ट, ए थ्री को हमने एज्यूम किया था के कैप के कोफिशियंट को, के कैप का कोफिशियंट मैंने फिर से लिख दिया एज ए थ्री हो गया। इसका करना है y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, आप पहले y को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस वाई टू को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना, वैसे माइनस वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर y1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y का y के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म्स रहेंगी वो यही आएगी। वैसे यहाँ पे y का इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट मीन्स ये दो टर्म्स आएंगे, y का y के रिस्पेक्ट 1, यहाँ पर y1 और यहाँ y2 कॉन्स्टेंट है, तो जीरो हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाइज किया तो टोटल एट डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई आ गया एक्स टू माइनस एक्स वन। अब बात करते हैं इसकी, डेल ए टू अपॉन डेल जेड की। तो जब ए टू की बात करूं मैं, तो ए टू का कोफिशियंट कितने, देखिए जरा, ए टू किसको लिया हमने, जे के कोफिशियंट को जो हमारे पास है जेड माइनस जेड वन, एक्स माइनस एक्स टू, माइनस एक्स माइनस एक्स वन, जेड माइनस जेड टू। तो आप देखिएगा जरा इसका हमें किसके रिस्पेक्ट करना है, जेड के रिस्पेक्ट। तो करते हैं डेल ए टू अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू, जब जेड का इन सब से किया, यानी जेड का इन दोनों से किया तो जेड का जेड रिस्पेक्ट वन, वैसे ही तो क्या आ गया एक्स माइनस एक्स टू, जेड वन कॉन्स्टेंट जीरो, फिर माइनस जेड का इन दोनों से किया तो वन, तो ये दोनों एज इट इज एक्स माइनस एक्स वन, और जेड टू का किया तो जीरो। तो टोटल क्या वैल्यू आ गई डेल ए टू अपॉन डेल जेड की, एक्स से तो एक्स कैंसिल हो गया, कितना आया माइनस का एक्स टू प्लस का x1, यानी x1 माइनस x2, इसकी वैल्यू आ गई ये और इसकी वैल्यू आ गई ये। अब क्या करना है, इसको और इसको यहां पुट करना हमें i कैप के साथ, तो पुट करते हैं जरा, देखो क्या टर्म्स आ रही हैं, x2 माइनस x1 पहले लिखा जाएगा, फिर माइनस x1 प्लस x2, क्या लिखा गया देखो, x2 माइनस x1 ये वैल्यू यहाँ आई, फिर माइनस फार्मूले का x1, और ये माइनस प्लस हो करके x2 हो जाएगा आई कैप के साथ, क्या कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल नहीं हुआ, ऐड हो गया, यानी कि कितना हुआ 2x2 माइनस 2x1 आई कैप, या मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आ गया x2 माइनस x1 आई कैप। ये क्या आया फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू, अभी तो हमने दो और भी करना है लेकिन ये फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जरा i कैप के साथ 2x2 माइनस x1 है, तो अगर इसको सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे तो j कैप के साथ क्या आएगी टर्म्स, तो नेचुरल सी बात है j कैप के साथ टर्म्स जो आने वाली है
आई कैप के साथ अगर हमारे पास 2x2 माइनस एक्स वन आए तो जे कैप के साथ भी ये टर्म्स आएगी y2 माइनस y1 जे कैप, और के कैप के साथ आएगा 2z2 माइनस z1 के कैप। सीरीज बन जाएगी ये तो, 2 सभी में से कॉमन आ रहे हैं तो सभी में से हम कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट्स में क्या रहा देखो, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। अब जरा v1 माइनस v2 करके देख लीजिए, आपको यही वैल्यू मिलेगी। देखो v1 माइनस v2 करो, x माइनस x1 माइनस x प्लस x2, x तो x कैंसिल हो गया, x2 माइनस x1 बचा, तो इसका मतलब हम इसको क्या ले सकते हैं, v1 माइनस v2 टू v1 माइनस v2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट, कोई डाउट? बहुत सिंपल, थोड़ा सा लेंदी पार्ट है लेकिन इजी है, वन बाय वन स्टेप्स समझाने की मैंने कोशिश की है, इजी वे में आपको ले जाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। ये तो है थर्ड पार्ट, अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की, जो सबसे इजी पार्ट है। तो जब सेकंड पार्ट की बात करेंगे हम, देखिए क्या हो रहा है सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट के लिए लेफ्ट हैंड साइड है ग्रेडियंट ऑफ v1.v2, सिंपल सी बात और सही भी है थर्ड पार्ट के लिए, क्योंकि v1.v2 दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, स्केलर, और स्केलर पे एक ही चीज यूज होती है वो ग्रेडियंट ही होती है, तो उसमें तो बोलने की बात ही नहीं है, वैसे भी ग्रेडियंट होगा। तो ग्रेडियंट v1.v2, और ग्रेडियंट को मैं ही लिख सकता हूं डेल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकेंड, तो डेल v1.v2 या इसकी वैल्यू डेल की वही डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और साथ में v1.v2 की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू, ये वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर बी से पुट कर दी। अब हमें करना क्या है, देखिए ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, इसके साथ जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होती है, इसका मतलब ग्रेडियंट का ये है। ग्रेडियंट का मतलब है कि आई जे और के साथ जो भी डेरिवेटिव्स हैं उन सभी डेरिवेटिव्स के साथ, उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स हो सभी का मल्टीप्लिकेशन, यानी डेल अपॉन डेल एक्स के साथ भी तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, डेल अपॉन डेल वाई के साथ भी तीनों का मल्टीप्लिकेशन, डेल अपॉन डेल जेड के साथ भी तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। अब क्या हम तीनों का मल्टीप्लिकेशन करें या सिर्फ फर्स्ट टर्म का फर्स्ट से कर दें, सेकंड का सेकंड से कर दें और थर्ड का थर्ड से कर दें, तब भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म में एक्स है ओनली, वाई और जेड नहीं है, तो जब सारी टर्म्स में इसके साथ लिखूंगा तो होगा क्या, इस पूरी टर्म्स का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा, और पूरी टर्म्स का जब एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो वाई और जेड तो कॉन्स्टेंट है, वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो इसको तो लिखने का मतलब ही नहीं है। सिमिलरली जब वाई के रिस्पेक्ट इस सभी का मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा पार्शियली, तो एक्स और जेड कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ओनली वाई के साथ रिजल्ट आएगा, तो क्यों ना हम वाई की वैल्यू इसके साथ लिखें। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम सिर्फ वही लिखते हैं जिसके साथ हमारा आंसर आएगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स इसके साथ हम लिखते हैं एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू आई कैप, सिमिलरली डेल अपॉन डेल वाई इसके साथ मैं लिखता हूँ वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू जे कैप, और थर्ड टर्म मैं लिखता हूँ डेल अपॉन डेल जेड, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू के कैप, लिख दिया ये हमने। अब वन बाय वन इन सभी का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले इस टर्म का देखिए एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का एक्स से मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव 2x, फिर एक्स का मल्टीप्लीकेशन एक्स टू के साथ, एक्स इंटू एक्स टू, और एक्स का एक्स से रिस्पेक्ट 1, तो ओनली एक्स टू विद नेगेटिव साइन, तो माइनस का एक्स टू, वैसे ही एक्स वन का एक्स के साथ, तो एक्स का एक्स से रिस्पेक्ट 1, तो माइनस का एक्स वन, और लास्ट टर्म आएगी माइनस माइनस प्लस एक्स वन एक्स टू, और एक्स वन और एक्स टू दोनों ही कॉन्स्टेंट है तो जीरो, ओनली टर्म्स रह जाएगी ये। सिमिलरली वाई के लिए भी जैसा ये एक्स है वैसे वाई आएगा, टू वाई माइनस वाई वन माइनस वाई टू जे कैप, एंड टू जेड माइनस जेड वन माइनस जेड टू के कैप, ये सभी टर्म्स आ जाएंगी। अब देखिए हमें जो आंसर चाहिए राइट हैंड साइड में वो चाहिए v1 प्लस v2। अब देखिए वो कैसे आएगा,
टू एक्स है, मैं इस कंप्लीट टर्म्स को लिख सकता हूं x माइनस एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स टू आई कैप। क्या मैं लिख सकता हूं इसे x प्लस एक्स टू एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू हो गए। वैसे ही टू वाई को मैं y प्लस वाई की फॉर्म में लिख सकता हूं, एक y को ले लिया मैंने y1 के साथ और एक y को ले लिया मैंने y2 के साथ j कैप, और नेक्स्ट में लिख सकता हूं z के लिए z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 k कैप। अब देख लीजिए v1 प्लस v2 क्या ये आ रहा है, x1 x माइनस x1 और प्लस x माइनस x2 दोनों में से i कैप कॉमन आ जाएगा। वैसे ही v1 प्लस v2 y माइनस y1 प्लस y माइनस y2 j कैप दोनों में कॉमन होगा। वैसे ही तो क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्टली इसको, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये है आज का क्वेश्चन, जो कि कोशिश है तीन पार्ट्स के थ्रू उसको सॉल्व करने की, और पूरी कोशिश की है कि आपको क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह से बने रहिएगा कुछ और क्वेश्चंस के साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।